नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com का टॉप 20। गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची लाउडस्पीकर की लड़ाई, एमएनएस ने पत्र लिखकर की लाउडस्पीकर हटाने की मांग। एमएनएस की संजय राउत को धमकी, कहा अपना लाउडस्पीकर बंद करें नहीं तो अपने स्टाइल में करवाएंगे बंद। प्रयागराज में सनसनीखेज हत्याकांड, पत्नी और 3 बच्चियों की गला काट कर हत्या, फंदे से लटका मिला पति का। कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने फिर की कायराना हरकत, बीजेपी समर्थक सरपंच को गोली मार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को मिला IED, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। CBSE बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, अगले साल से पहले की तरह ही एक बार होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए 975 नए केस, 98.76% दर्ज हुई स्वस्थ होने की दर। उपचुनाव रिजल्ट, 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर मतगणना है जारी, बालीगंज सीट पर TMC को बढ़त। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनता से निभाया अपना वादा, 1 जुलाई से राज्य में मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। देश भर में आज मनाया जा रहा है बजरंग बली का जन्मोत्सव, 31 साल बन रहा है अद्भुत। गुजरात में आज हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे PM मोदी। उत्तराखंड भाजपा संगठन में बदलाव की सुगाहट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार आज देहरादून दौरे पर, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी जाएंगे राजधानी। अखिलेश यादव का BJP पर तीखा हमला, कहा किसानों के भुगतान का नकली नाटक चल रहा है, बिचौलियों की भरी जा रही है झोली। मदुरई में चिथराई उत्सव के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़, हुई बेकाबू, 2 लोगों की मौत। दिल्ली के सभी अस्पतालों को सतर्क रहने की सलाह, स्वास्थ्य मंत्री जैन बोले अभी चिंता की कोई बात। दिल्ली में शुरू हुई पानी की किल्लत, यमुना में बड़ा अमोनिया का लेवल, दिल्ली जल बोर्ड ने दी जानकारी। धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी कीव, कई शहरों में बज रहे हैं हवाई हमले के साइन। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, स्पीच के बाद हवा में मिलाने लगे थे हाथ। पुतिन की सेना को भारी पड़ा युद्ध, राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन से 6 गुना ज्यादा मारे गए हैं यूक्रेनी सैनिक। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने इमरान पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सरकारी खजाने से गिफ्ट निकालकर 14 करोड़ में बेचा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com के साथ।